नमस्कार, द टाइपराइटर देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत सरीन। बड़ी जानकारी लेकर सामने आ चुका हूं। एक बार फिर से आपको बता दें कि एक दिन पहले हमने एक अपडेट आप सभी जम्मू कश्मीर वासियों के सामने रखी थी, जिसके चलते हमने ये बताया था कि अमरनाथ यात्रा के शेष नाग झील के पड़ाव के पास एक वाद विवाद होता है कुछ लोगों के बीच में, जिसके चलते ये वाद विवाद पत्थरबाजी तक पहुंच जाता है, जिसके बाद कुछ लोग घायल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये वाद विवाद बढ़ जाता है। और इसमें पोनी वाला जो होते हैं, यानी कि जो घोड़े वाले जो होते हैं, जो घोड़े और खच्चर लेकर चलते हैं, और उसके अलावा कुछ अन्य जो दुकानदार थे वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बड़ा एक धार्मिक मुद्दा बन जाता है और उसके बाद वहाँ पर वाद विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके बाद घूसे और पत्थर वहाँ पर चल जाते हैं। आपको बता दें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किया गया था परसों, और ये कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक सख्त रवैये के साथ इस पूरे वाक्या को पहले तो कंडेम करती है और ये बताना चाहती है कि जो कोई भी, जितने भी तमाम लोग हैं जो इस पूरी घटना के अंदर इन्वॉल्व है, फिर चाहे वो किसी भी मंशा के साथ ये पूरा हादसा जो है इससे किया गया हो, या फिर कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा किया गया हो ताकि लोगों की जो आस्थाएं हैं उन्हें ठेस पहुंचाया जा सके, या फिर हिंदू मुसलमान एकता जो है उस पर किसी भी तरीके से कोई गलत प्रभाव पड़े, या फिर लोगों के बीच में डिवाइड कि जो पॉलिसी है वो अपनाई जाए, या फिर किसी भी तरीके का कोई संग्राम छेड़ा जाए धर्म के आधार पर, तो इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त रवैये के साथ बहुत जल्द गिरफ्तारियां होंगी, जिसके बाद वहां पर FIR भी दर्ज की जाती है और कई लोगों का नाम जो है उसमें सामने आता है। लेकिन ये बताया गया था कि इसमें कुछ लोकल लोग नहीं इन्वॉल्व थे और पोनी वालास जो थे वो इन्वॉल्व थे, बाकी कोई कश्मीर का कोई मूलभूत से कोई निवासी वहाँ पर स्पेशली नहीं आया था इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये 3 लोग स्पेशली, इनमें से 2 जो हैं खच्चर वाले हैं, घोड़े इन लोगों ने रखे थे और ये वहाँ यात्रा के दौरान अपने घोड़ों की जो सर्विस है वो देते हैं, और इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। ये जो अन्य व्यक्ति है इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है ये एक लोकल व्यक्ति है। और आपको बता दें कि ये जो वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा था सोशल मीडिया पर लगातार पिछले 3-4 दिन से, तो ये आपको बता दें कि ये जो वीडियो था ये इसी मंशा के साथ आगे सर्कुलेट किया जा रहा था ताकि हिंदू मुसलमान एकता जो है उस पर प्रभाव पड़े, क्योंकि LG एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई थी जो हमने परसों आपके सामने रखी थी। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, LG एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये कहा गया था कि हम सराहना करते हैं कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति की जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग किया है, क्योंकि कश्मीर के लोगों के सहयोग के बिना ये यात्रा इतनी ज़्यादा सफल नहीं हो सकती थी, और हम प्रशंसा करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है, क्योंकि चाहे लोगों को किसी भी तरीके की फैसिलिटी हो, वहाँ पर सिक्योरिटी का खास तौर पर ध्यान रखा गया है, वहाँ पर खाने पीने का लंगर सिस्टम अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है, मेडिकेशन फैसिलिटी वहाँ पर है, लेकिन बड़ा संघर्ष जो है लोगों को करना पड़ता था क्योंकि छोटी छोटी तकलीफें जो है हो जाया करती थी, लेकिन कश्मीर घाटी के लोगों द्वारा इतना सहयोग मिलता है हर साल यात्रा को, और इस साल भी लोगों को जिस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है क्योंकि यात्रा कई दिनों तक स्थगित रही, यात्रा बारिश और मौसम के ख़राब होने के बावजूद जो है सही तरीके से नहीं चल पाई थी, जिसके चलते कश्मीर घाटी के लोगों द्वारा भी बड़ा सहयोग इस यात्रा को मिलता है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कहती है कि हम आने वाले वक्त में भी यही सोचते हैं कि किसी भी तरीके से जो हिंदू मुसलमान एकता है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस यात्रा और यात्रियों पर इस बात का कोई भी खास प्रभाव पड़ेगा। और आपको बता दें कि इस यात्रा के बाद अमरनाथ यात्रा जो इस साल की चल रही है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अभी तक, क्योंकि मौसम के हालात जो थे वो नासाज थे,
मौसम बहुत अच्छा नहीं था, जिसके चलते यात्रा को कई दिनों तक रोकना पड़ा है और वक्त वक्त पर इसे रोका जा रहा है। लेकिन अगर यात्रा सही तरीके से चलती है तो फिर इस साल सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं अमरनाथ की हिस्ट्री में वहाँ पर अपना शीश जो है झुका रहे हैं। और आपको बता दें कि एक रिकॉर्ड जो है वो कायम होने वाला है। आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ प्रशांत सरीन, द टाइपेड।